बीते रोज ट्रेजेडी किंग के नाम से फेमस एक्टर दिलीप कुमार ने अपना 93rd बर्थडे घर पर सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनकी वाइफ सायरा बानो उनके साथ थी। मुंबई में फिल्म दिलवाले की स्क्रीनिंग रखी गई, जहां शाहरुख और काजोल के साथ डायरेक्टर रोहित शेट्टी प्रेजेंट रहे। साथ ही सभी ने मीडिया से इंटरेक्ट भी किया। But the idea is last 20 days before the film, audience should be aware of a basic overview of what the film is going to be like, without telling the story or giving away the highlights or the highest points of storytelling in the film. बीते रोज मुंबई में मुकेश और नीता अंबानी ने हरभजन सिंह और रोहित शर्मा की शादी की पार्टी अपने घर पर होस्ट की। इस मौके पर क्रिकेटर्स के अलावा बिजनेस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलेब्स प्रेजेंट रहे। लास्ट वीक की रिलीज हेट स्टोरी 3 ने एक हफ्ते में अप्रॉक्स 42 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और इस सक्सेस को फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने सेलिब्रेट किया। I don't think हमने सबने किसी ने भी from भूषण सर टू विशाल टू एनी ऑफ अस एक्सपेक्टेड के इतना बड़ा हो जाएगा। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। इसमें कहा गया है कि जिया ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली ने जिया से एक साल के अंदर एंगेजमेंट करने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। हाल ही में ईयर 2002 के हिट एंड रन केस से बरी हुए सलमान खान की शादी पर उनके फादर सलीम खान का कहना है कि सलमान की शादी न करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि वो डाउट में थे कि सलमान को कभी भी सजा सुनाई जा सकती है और ऐसे में अगर वो शादी करते तो उनकी वाइफ और बच्चों के लिए ये टफ होता। इतना ही नहीं, सलीम ने ये भी कहा कि शादी डेस्टिनी है, कोई इसके लिए पहले से कमिट नहीं कर सकता। सनी देओल और अमीशा पटेल एक बार फिर से एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। खबरों की माने तो डायरेक्टर नीरज पाठक भैयाजी सुपरहिट नाम की फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें ईयर 2001 की हिट फिल्म गदर के लीड पेयर सनी और अमीशा 14 साल बाद एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। बॉलीवुड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग dainikbhaskar.com।